सो गाइस, आज के दिन YouTube ने तीन कमाल के न्यू अपडेट्स किए हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, कभी कभी तो YouTube बहुत बेकार अपडेट कर देता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और जब अच्छे अपडेट करता है तो आपको अलग ही फेस पे स्माइल दिख जाता होगा, थंबनेल में ही दिख जाता होगा। तो इस बार यूट्यूब ने कुछ यूनिक किया है, आपको भी पसंद आ सकता है। बाय द वे, यूट्यूब पूरा कॉपी कर रहा है टिकटॉक या इंस्टाग्राम को, ऐसा आपको फील हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप यूट्यूब पर नॉर्मली लाइव जाते हो तो आपको पता है कैसा इंटरफेस आता है, नॉर्मल दिखता है बस। अगर आप इंस्टाग्राम पर लाइव जाते हो तो ऊपर व्यूवर्स भी दिखा देता है, कैमरा फ्लिप का ऑप्शन भी आता है, फिल्टर्स वगैरह भी आते हैं। और अब यूट्यूब पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। मतलब आप फिल्टर वगैरह भी लगा सकते हो, कैमरा फ्लिप कर सकते हो, कमेंट्स वगैरह रीड कर सकते हो। ऊपर दिखा देगा कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, कितनी देर से आप लाइव कर रहे हो और कितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सब कुछ दिखा देगा। अगर यूट्यूब बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह कर देगा तो यूट्यूब को सब बोलने लगेंगे कि इंस्टाग्राम को कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे यूट्यूब ने थोड़ा सा यूनिक कर दिया। अगर आप इंस्टाग्राम पर लाइव जाते हो, लाइव जाने के बाद आप किसी को लाइव स्ट्रीम में ऐड कर सकते हो, बट यूट्यूब ने क्या किया कि आप लाइव जाने से पहले किसी को भी इन्वाइट कर सकते हो, उसके पास लिंक शेयर करो, आप उससे बातें कर सकते हो। बट यहाँ पर जिसको आपने इनवाइट किया, जो आपके साथ बातें कर रहा है, उसका आईडी शो नहीं होगा, उसके चैनल का कोई भी लिंक वगैरह शो नहीं होगा लाइव स्ट्रीम करते टाइम। लिटरली अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब आप YouTube एप्लीकेशन ओपन करोगे कुछ दिनों के बाद तो आपको Instagram या TikTok वाली फीलिंग आया करेगी। लेट्स सी क्या होता है। अब आप ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, जब आप लाइव स्ट्रीम करते रहोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब इस तरीके से शो होगा। और जब आप कोई स्टोरी लगाओगे तो कुछ इस तरीके से शो होगा। जब कोई बंदा आपका स्टोरी देख लेगा एंड वहीं पर रहेगा तो कुछ इस तरीके से शो होगा। और जब आपका स्टोरी देखने के बाद कोई बंदा रिलोड करेगा या इधर उधर भाग जाएगा तो कुछ ऐसा शो होगा। मतलब बिल्कुल भाई इंस्टाग्राम वाली फीलिंग आ रही है, सच बताना कमेंट सेक्शन में, ऐसा लग रहा है ना आपको भी। और इस तरीके से लाइव स्ट्रीम हर कोई नहीं कर सकता, 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। बाय द वे, ये अभी तक पूरे तरीके से लॉन्च नहीं किया गया, कुछ कंट्रीज में आ चुका है अपडेट एंड इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है या आ चुका है किसी किसी के पास। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे पहले लाइव स्ट्रीम होता था अब वैसे होगा या नहीं, तो वैसे भी होगा, उसमें भी कुछ चेंजेस आ चुके हैं। अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर दिया इसमें भी। मैं आपको एक सच बात बताऊं, अगर आप YouTube पर अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो, आपको बहुत जल्दी अपने चैनल को ग्रो करना है, तो आप एक बात ध्यान से सुन लेना, शॉर्ट्स का चैनल बना लो, शॉर्ट्स रेगुलर अपलोड्स करने शुरू कर दो। जब टिकटॉक आया था ना तो स्टार्टिंग में जिसने ज्वाइन कर लिया था ना, लिटरली बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला, वो एक टाइम के स्टार थे। तो आप लोग भी स्टार बन सकते हो, आप लोग भी पॉपुलर हो सकते हो, शॉर्ट्स का चैनल बना लो। देखो कितना ज्यादा काम कर रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर, लाइव स्ट्रीम इस तरीके से कर दिया जैसे इंस्टाग्राम में होता है। तो आप लोग यार शॉर्ट्स क्यों नहीं बना रहे हो, अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना और आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं आप सुनता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय।